Yo, what is up, guys? Welcome to my channel. Yo, what is up, guys? It's Mr. Play. Welcome back to another episode of Mind the Craft. ये वीडियो थर्ड वीडियो होने वाली है अपने Minecraft सीरीज की. सेकंड और फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो लिंक पॉपअप हो रहा होगा. इस वीडियो में हम काफी कुछ करने वाले हैं, एडवेंचर करेंगे और पिछला जो काम बचा हुआ वो भी थोड़ा कर लेंगे, तो काफी मजे आने वाले हैं. तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो. तो ये जो मैं पेड़ तोड़ रहा हूँ ये हमने सेकंड वीडियो में लगाया था और यहाँ पे मैं इसको तोड़ देता हूँ, आपको दिखाता हूँ. ये देखिए काफी सारे पेड़ जो हैं वो उग चुके हैं और ये हमें फल भी देने लगे हैं. और बाकी जो हमारे पिछले वीडियो में काम बचा था वो मैं कर लेता हूँ. हमारे बड़े साहब कुछ ऐसे सोचते हुए आगे आ रहे थे और उनका आई डोंट नो ये बंदा कितनी बार फिसलता है. यहाँ पे मैं अपना काम कंप्लीट कर देता हूँ और यहाँ पे अपना कुछ तिगड़ों लगाते हुए ये बंदा बहुत ज्यादा गिरा हुआ इंसान है. इतनी बार कौन गिरता है यार. तो जैसा कि यहाँ पे मैंने अपना काम कर दिया है और सेकंड वीडियो में हमने जैसा सोचा था वैसा ही बन चुका है. काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है और हमें बड़े साहब यहाँ रिवॉर्ड्स में गंदे से ओक प्लैंक्स देते हैं. यहाँ पे ज़ॉम्बी आ गए थे, थोड़े बहुत हमने मारे और ये कुछ बचे कुचे ज़ॉम्बी को भी मार देते हैं. फिलहाल मैंने यहाँ पे बेड लगा दिया है, इट्स एडवेंचर टाइम. लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो पेड़ के पास दूर में एक काला सा लंबा सा कुछ दिख रहा है. गाइस ये माइनक्राफ्ट का सबसे खूंखार मॉब है. अगर इसके आंखों को आप देखोगे तो ये आपको नहीं छोड़ेगा. इसका नाम है एंडरमैन. जैसा कि देख सकते हो मैं इसके आंखों को देख रहा हूं और ये देखो गाइस कैसे भगता हुआ मेरे पास आ चुका है. इसकी आवाज सुनो गाइस. तो यहां पे देख सकते हो ये काफी स्पीड से टेलीपोर्ट भी होता है. तो यहां पे मैं अपने दरवाजे के पास आ जाता हूं. ओ शिट, यहां पे ये मारते हुए देखो गाइस 3 हेल्थ ले लेता है एक ही बारी में भाई साहब. और ये ओके, हम दोबारा आते हैं, इसीलिए तो हमने बेड लगाया था. ओके, तो मैं अपना सामान सारे उठा लेता हूँ. ये फिर से ना मार दे, एक मिनट दोबारा ना आ जाए. ओके, नहीं है, वहां खड़ा है, नहीं मार रहा. तो मैं अंदर जाता हूँ और फिर से इसके आंखों को देखते हैं. जैसा कि इसने देख लिया आज मैं मर गया भैया, घर पे चलो क्या मेरे को, और वापिस आ चुका है. और देखो गाइस इतने सारे मैंने तलवार मार दिए हैं फिर भी ये मरता ही नहीं है. मेरा दोस्त भी यहाँ पे मारने के लिए आ चुका है. पता नहीं हाथ से मार रहा है या देखो हाथ से ही मार रहा है जबकि मैं तलवार से मार रहा हूँ. और यहाँ पे देख सकते हो वो गायब हो चुका है. गाइस यहाँ ये कहाँ गया आई डोंट नो. तो मैं बाहर जाता हूँ और यहाँ पे कोई नहीं दिखता सिर्फ ये स्पाइडर के गंदे से. तो मैं इसको जल्दी से मार देता हूँ और यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं काम करने के लिए. ओ शिट, यहाँ पे भी ये वही एंडरमैन यहाँ आ चुका है. इसको यहाँ पे मारना काफी ज्यादा खतरनाक होगा तो मैं सोचता हूँ इसके नीचे खड़ा हो जाता हूँ. अब इसके आंखों को देखते हैं और ये दोबारा देख चुका है हमें. जैसा कि देख सकते हो कितनी स्पीड में आता हुआ. हम इसको यहाँ से मारते हैं, यहाँ से. ओ शिट 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 गाइस हमें पीछे से पड़ रही है, यहाँ से मारता हूँ. ओके एनीवे गाइस हम दोबारा से ऊपर जाएंगे और अपने सारे सामान उठा लेंगे. फिलहाल ये हमें नहीं मारेगा क्योंकि इसने बदला ले लिया है. तो इसको मारना यहाँ पे काफी मुश्किल होने वाला है. तो मैंने तिगड़ुम लगाते हुए यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स जो हैं ऐसे दीवार खड़ा कर दिया और सामने की तरफ एक और दीवार खड़ा कर दिया. हम दोबारा इसको उसको मारेंगे और फाइनली इसको हमने फिनिश कर दिया है. फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे हमारा एंट्री बनने वाला है और ये थोड़ा सिंपल लगता है लेकिन जो हम बनाने वाले हैं एक लकड़ी से वो लकड़ी हमें इस स्नोई एरिया में मिलने वाला है. फिलहाल उस लकड़ी के लिए मैं ढूंढते हुए आगे जा ही रहा था यहाँ पे मेरे को एक क्यूट सा डॉगी दिख चुका है. फर्स्ट पार्ट में हमने वादा किया था कि यहाँ पे एक डॉग बनाने वाले हैं पेट. फिलहाल मेरे पे हड्डी सिर्फ 3 ही है तो मैं सिर्फ इसी को ही पेट बनाऊंगा और देख सकते हो ये पेट बन चुका है गाइस. तो ये ज्यादा हमें हेल्प करता है जब ज़ॉम्बी या कोई दूसरा इंसान हमें मारता है. फिलहाल यहाँ बड़े साहब आ चुके हैं और ये क्या कर रहे हैं पता नहीं. लेकिन मेरे ओ शिट, मेरे कुत्ते ने हमारे बड़े साहब को मार दिया है. तू इधर आ, यहाँ बैठ, तू चुपचाप से यही बैठी हो. तो फिलहाल हमारे पास बड़े साहब वापिस आ चुके हैं और उन्होंने अपना सारा सामान उठा लिया है. तो यहाँ पे यार तू फिर से मत मारियो, फिर से बैठ जा. फिलहाल काफी ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे हो चुका था तो मैंने सोचा कि
अब जल्दी से लकड़ी सारे इकट्ठे कर लेना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हो ये थोड़ा अलग लकड़ी है, काला कलर का लकड़ी है। जी हाँ गाइस, काफी सारे लकड़ियां हैं इस गेम में। मैं ऊपर जाता हूँ और फिलहाल यहाँ पे एक ज़ॉम्बी दिखा है, तो अभी टाइम है अपने कुत्ते का। देख सकते हो मैंने एक हिट मारा और अपने कुत्ते ने पूरा काम तमाम कर दिया उसका। ओके, हम पे दोबारा अटैक हो चुका है, लेकिन हमारा डॉगी उसको मार देता है। तो आगे जाके अपने कुत्ते का मैं नाम भी रखने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे हमने काफी सारे जो लॉग है, वुड लॉग काफी इकट्ठे कर लिए हैं, निकलते हैं घर के लिए। लेकिन यार ये ज़ॉम्बी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। तो घर जाते वक्त हमें स्केलेटन और ज़ॉम्बी दोनों दिखते हैं, लेकिन देख सकते हो गाइस स्केलेटन का क्या ही बुरा हाल हो रहा है। ज़ॉम्बी को मैं यहाँ पे मारता हूँ, लेकिन कुत्ता हमारा पहले निपटा देता है। उतरी यहाँ पे जो स्केलेटन है कैसे दुम दबाकर भाग रहा है। फिलहाल हम अपने घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ मैं नोटिस करता हूँ कि बड़े सांप के दो नए बड़े कुत्ते भी आ चुके हैं, तो हमारे लिए तो ये काफी मुश्किल होने वाला है, बड़े सांप के बड़े नखरे और बड़े बड़े कुत्ते। फिलहाल हम अपना काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लॉग लगाता हूँ जो मैं लेके आया था बहुत सारे, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा पिलर जैसा बनाने वाला हूँ। फिलहाल बड़े सांप इसको देख हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बड़े सांप को ये पसंद ही नहीं आता। लेकिन मैं इसको ना तोड़ते हुए और भी काम करता हूँ। फिलहाल ये कुत्ता हट ना यार, ये काम पे ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैं और थोड़े प्लैंक्स लगाता हूँ और जो सीढ़ियां हैं वो भी मैं सोचता हूँ कि यहाँ लगाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सीढ़ी बना के, शिट यहाँ पे ये क्यों आ गया, ये बड़े सांप का ही कुत्ता है, इसको हटाओ इसे। यहाँ पे मैं अपना सीढ़ी लगा देता हूँ इस साइड और इस साइड। फिलहाल देख सकते हो ये थोड़ा नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन एनीवे इसको हम थोड़ा और भी ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। तो गाइस इस मांस को मैं यहाँ पे पका देता हूँ ताकि हम बाद में इसको खा सकें। और यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टेयर्स बना लेता हूँ। और फिलहाल गाइस देखो फाइनल आउटपुट काफी सुंदर लग रहा है। गाइस यहाँ पे जो खाना पकाया था वो चोरी हो चुका है बड़े साहब। तो गाइस हम अब ग्लासेस बनाएंगे अपने विंडोज के लिए। तो मैं अपने सैंड को पिघला के हमें काफी सारे ग्लासेस बना लेंगे और यहाँ पे हम अपने ग्लासेस लगाने वाले हैं। तो मैंने ये काफी सारे जो ग्लास थे पिघलाए थे वो मैं ले लेता हूँ और इससे पतले ग्लास बना लूंगा। यहाँ पे मैंने काफी सारे पतले ग्लास बना लिए और यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा। ये ऐसे लगने वाला है और काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और ये जो हमारा एंट्री गेट है कुछ ऐसा दिख रहा है, यार काफी ऑसम लग रहा है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे घर का काम कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं एडवेंचर पे। तो फिलहाल हम अपना घर का डोर लॉक करते हैं जैसे कि सब करते हैं जाने से पहले। लेकिन यहाँ पे बड़े सांप का हाथ बहुत चल रहा है गाइज, पता नहीं ये क्यों मार रहे मेरे को, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन इनका कुत्ता, लेकिन यार ये क्या बात हुई यार, मतलब गलती से उनने मारा, उनके कुत्ते ने मेरे को जान से ही मार दिया। तो जल्दी से गाइज सामान उठा लेते हैं और मेरा कुत्ता भी गया। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आफ्टर दैट हादसा मेरे को बड़े सांप के कुत्ते को मारना ही पड़ेगा, अपने कुत्ते का बदला कुत्ते से ही लेंगे। लेकिन शायद बड़े साहब हमें ये मंजूरी ना दे, लेकिन हमें उनको चुपके से मारना ही पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे वो बात इग्नोर करते हैं और यहाँ पे हम अपना एडवेंचर स्टार्ट करते हैं। यहाँ फिलहाल देख सकते हो हम चढ़ चुके हैं एक माउंटेन पे और ये माउंटेन कतई बर्फ से ढका पड़ा है। फिलहाल ये काफी ऊंचा है तो हम जाते हैं। तो यहाँ मेरे को एक आयरन मिलता है तो मैं इसको तोड़ता हूँ। तो फिलहाल हमने एक पॉइंट बनाया है ताकि अपना घर का रास्ता ना भूल सके। तो लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस यहाँ पे बड़े सांप बकरी को मारने वाले हैं और हमारा मटन का जुगाड़ हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक मार्क छोड़ते हैं ताकि हम रास्ता ना भूल जाएं। तो यहाँ पे जाते जाते मेरे को दिखा है एमरल्ड। गाइस ये एमरल्ड जो होता है माइनक्राफ्ट में कॉइन होता है, इसको हम कॉइन से इंडिकेट करते हैं माइनक्राफ्ट में। तो फिलहाल हम दोनों यहाँ पे इसको तोड़ने में लगे पड़े हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो हमें मिला ही नहीं, क्योंकि गाइस एमरल्ड को तोड़ने के लिए आयरन पिकैक्स की दरकार होती है और हमारे पास है सिर्फ स्टोन पिकैक्स। तो यहाँ पे हम जल्दी से आयरन पिकैक्स बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक एमरल्ड दिखा था, वो ये रहा वो एमरल्ड, मैं इसको तोड़ रहा हूं और हमें यहाँ पे मिल भी चुका है। आगे बढ़ते समय देख सकते हो गाइस ये कितने ज्यादा हाइटेड में है। तो यार यहाँ से बहुत धीरे धीरे से उतरना पड़ेगा, हम गिर भी सकते हैं। बड़े सांप तो यार गिरे हुए इंसान है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे यार उनके लिए ये फैमिलियर है।
ओ शिट, देखो गाइस दो दो क्रीपर हमारे पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन देखो एक साथ ये फटेंगे तो ओ शिट। तो फिलहाल हम यहाँ आके पहुंच रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हो रास्ता यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओ माय गॉड कितना ज्यादा गहरा है ये गाइस, ये एक डंजन से है और हम इसमें एंट्री अभी करेंगे, लेकिन यार काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, देख सकते हो कितना ज्यादा हाइट है यार, गिरे तो भाई गए। तो यहाँ पे जैसे तैसे मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ और तो फिलहाल हम यहाँ पे रास्ता जैसे तैसे बना लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बड़े साहब कते रास्ते बनाने में लगे पड़े हैं, तो बड़े साहब यहाँ कहते हैं मेरे को एक गोल्ड मिला है, तो हम नीचे जाते हैं, देख सकते हो गोल्ड भी बड़े साहब को मिल चुका है। तो यार यहाँ पे तो काफी ज्यादा अंधेरा है यार, कुछ दिख भी नहीं रहा मेरे को अच्छे से। फिलहाल हम यहाँ पे खोदते खोदते मैं एक शेल्टर टाइप बना देता हूँ ताकि यहाँ पे हम अपना कुछ जो सामान है या बेड है यहाँ पे रख सके। तो यहाँ पे हमने खोद खोद के ऐसा कुछ एरिया सा बना दिया है, देख सकते हो गाइस ये थोड़ा सीढ़ी टाइप का है। बड़े साहब ही खोद रहे हैं, वो खोदे जा रहे हैं, हम उनके पीछे चले जा रहे हैं। देख सकते हो मैं ये सामान उठा लेता हूँ, बड़े साहब ने काफी ज्यादा मेहनत कर दी है यहाँ पे, तो हम ऊपर चलते हैं बड़े साहब की हेल्प करने। लेकिन यहाँ पे ओ सॉरी गलती होगी बड़े साहब। वीडियो खत्म, चलो भागो यहाँ से, ऐसे नहीं जाना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 के लिए वेट करना गाइस, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाला है।